नमस्कार, न्यूज सेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों की ओर। हरियाणा से हरिद्वार कावड़ लेने जा रहे कावड़ियों का डीसीएम उन मार्ग पर भनेड़ा रजवाही के नजदीक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे से जा टकराया, जिससे डीसीएम में मौजूद दो दर्जन कावड़ियों में से आधा दर्जन कावड़िए घायल हो गए, जिनको थाना भवन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद शामली के थाना भवन उन मार्ग पर गांव भनेड़ा के रजवाई के पास हरियाणा के रेवाड़ी से हरिद्वार जा रहे कावड़ियों का डीसीएम का स्टेयरिंग अचानक फेल हो गया, जिसके कारण डीसीएम में मौजूद दो दर्जन कावड़िया घायल हो गए। कावड़ियों के साथ हुए हादसे की जानकारी पास के गांव के लोगों को मिली तो ग्रामीणों ने कावड़ियों को थाना भवन सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ पर आधा दर्जन कावड़ियों का भर्ती कर इलाज चल रहा है, बाकी को हरिद्वार के लिए भेज दिया गया। कावड़ियों के घायल होने की सूचना पर खुफिया विभाग भी जानकारी में जुट रहा है। तो कैसे हुआ आपका एक्सीडेंट? स्टीयरिंग जाम तो कहीं में टकराई आपकी टाटा जी? कहीं में टकराई आपकी गाड़ी? खंभे में। कितने लोगों का चोट आई? पाँच छह लोगों का चोट आई। कहनला थाना क्षेत्र के गांव डूडू खेड़ा में घर पर महिला को अकेला पाकर गांव के ही एक सिरफिरे व्यक्ति ने महिला के साथ जबरदस्ती रेप कर मौके से फरार हो गया। पीड़ित महिला वे उसके पति ने पुलिस को तहरीर दे न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें, मामला उस वक्त का है जब महिला का पति काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था और महिला घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाते हुए गांव का एक सिरफिरा व्यक्ति ने दीवार फांदकर महिला के घर में घुस गया और महिला के साथ जबरदस्ती रेप की घटना को अंजाम दे दिया। महिला के शोर मचाने पर उक्त व्यक्ति महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। महिला के पति के घर लौट आने पर महिला ने आप बीते अपने पति को सुनाई, जिसके बाद महिला व उसका पति ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कांधला से न्यूज सेवन के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। मैं सोसाइटी में आया था सुबह खार लेने के लिए, तो घर पे अकेली थी, तो दीवार पर कूद गया, उसके पास में गया, इसके साथ जबरदस्ती करी उसने, तो मेरे को यहाँ से जाने लग रहा था, तो मैं गंगे रुक गया, तो उधर से लेके इसको आई है घर वाले, तो ये होया भैया। कांधला थाना क्षेत्र के गाँव डुंडू खेड़ा में खेत पर पानी चलाने गए किसान की सांप के काटने से मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने किसान के शव का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं गांव में किसान की मौत से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव डुंडू खेड़ा का है, जहां पर रात के समय मोकम पुत्र जयचंद अपने खेत में पानी चलाने के लिए गया था। पानी चलाते समय मोकम किसान को सांप ने काट लिया, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई। खेत पर कार्य कर रहे आसपास के किसानों ने मोकम की हालत को बिगड़ता देख प्राइवेट डॉक्टर यहां ले गए, जहां डॉक्टर ने किसान मोकम को मृत घोषित कर दिया, जिसके चलते परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। परिजनों ने मृतक के शव को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया। सांप के काटने से किसान की मौत से अन्य किसानों में दहशत का माहौल है। कांधला से न्यूज सेवन के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। पानी चलाने गया था खेत में, हाँ। जीरे के खेत में, हाँ। और वहाँ सांप ने काट लिया, हाँ। हमें पता चला, हम भी दौड़े दौड़े गए, हाँ। हम उपचार के लिए गंगेरू पास में है गाँव, हाँ। वहाँ अच्छा उपचार चलता है, वहाँ उपचार भी कराया, हाँ। ठीक नहीं हो सकता। असल में रात के 12 बजे मोहन सिंह गए थे खेत अपने पानी चलाने, तो वहीं पे एक सर्प ने काट लिया और आए उपचार के लिए, बंदवर दिया उपचार के लिए ले गए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और जहर फैल गया अचानक, जो है 2-3 घंटे के अंदर ही डेथ हो गई। 3 दिन पूर्व कांधला थाना क्षेत्र के गांव खंडरावली रजवाई में मिले अज्ञात युवक के शव की पहचान हो गई है। मामले में मृतक के परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ युवक को घर से बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दरअसल आपको बता दें, कांधला थाना क्षेत्र के गांव खंडरावली में 3 दिन पूर्व गांव के निकट रजवाई में 28 वर्षीय अज्ञात युवक का सड़ा गला शव मिला था। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक युवक के शव की पहचान कराने का प्रयास किया था, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस ने मृतक का शव को पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया था। शुक्रवार की देर शाम को गाँव खंडरावली निवासी वरद बलबीर सिंह ने कपड़ों से मृतक की पहचान अपने पोते मोहित पुत्र क्रमवीन के रूप में की थी। बाद में वरद बलबीर ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि मृतक मोहित का गाँव के ही प्रमोद के साथ मोबाइल को
को लेकर विवाद चल रहा था। 11 जुलाई को मोहित को गांव के ही प्रमोद और डालू घर से बुलाकर ले गए थे, तभी से मोहित का कोई पता नहीं लग रहा था। पुलिस ने मृतक के दादा बलबीर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। कांडला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। एक मोबाइल के बारे में और मेरे पोते की पिटाई करी पहले तो और फिर वो कत्ल कर दिया। तो कितनी कीमत थी लगभग मोबाइल की? मोबाइल की वो भी खरीदने वाले बता मैं 1500 रुपए की। मुजफ्फरनगर के चरथावल पुलिस ने थाने के सामने बड़े स्तर पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सभी वाहनों को थाने में एकत्र कर बारीकी के साथ चेकिंग की गई। मुजफ्फरनगर एसपी अनंत तिवारी के निर्देशन में चरथावल थाना प्रभारी डीके त्यागी ने अपराधों पर अंकुश लगाने व कावड़ यात्रा के मद्देनजर बड़े स्तर पर वाहन चेकिंग अभियान थाने के सामने चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान भारी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आने जाने वाले वाहनों को रोककर थाने पहुंचाया, जहां पर पुलिस ने एक एक कर बारीकी से वाहनों की चेकिंग की। साथ ही हेलमेट व कागजों को भी चेक किया। खामियां पाए जाने पर दर्जनों वाहनों को चालान किए गए, कई वाहनों को सीज किया गया। थाना प्रभारी डीके त्यागी ने वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की हिदायत विधि। मुजफ्फरनगर से न्यूज 7 के लिए गौरव पंवार की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर एसएसपी अनंत देव तिवारी के निर्देश अनुसार इंस्पेक्टर चमन सिंह चावड़ा के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज विजयपाल अत्री पुलिस फोर्स के साथ कावड़ यात्रा के मद्देनजर महावीर चौक से लेकर बायवाला चौकी व क्षेत्र के सभी शिविरों का सुरक्षा की दृष्टि से जायजा लिया। कस्बा अंचल विजयपाल अत्री पुलिस फोर्स के साथ कावड़ यात्रा के मद्देनजर महावीर चौक से लेकर बायवाला चौकी व क्षेत्र के सभी शिविरों का जायजा लिया। इंस्पेक्टर बुढ़ाना ने बताया कि कस्बे में 25 से 30 शिविर लगे हुए हैं। सभी शिविरों में पुलिस बल तैनात है और किसी भी तरह की असावधानी नहीं बरती जाएगी। वह कावड़ यात्रा को सफल बनाने में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बुढ़ाना से न्यूज 7 के लिए गौरव पंवार की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 7। ओसो दी पब्लिक स्कूल एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रवेश प्रारंभ। प्री नर्सरी से कक्षा 9 तक प्रशिक्षक एवं योग्य स्टाफ, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, वातानुकूलित अत्युत्तम प्ले क्लासरूम, खेल खेल में शिक्षा, डिजिटल स्मार्ट क्लास, खेल कूद डांस के साथ ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। ओसो पब्लिक स्कूल, चौधरी चरण सिंह कॉलोनी, बाजार रोड, शामली। फोन नंबर 01398520960, मोबाइल 9657901617, 9759381617। मैं विजय कौशिक, नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद का भावी उम्मीदवार, आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग मुझे वोट देकर सफल कराएं ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुजफ्फरनगर में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पूरी तरह से रेत खनन बंद होने के बावजूद खनन माफियाओं द्वारा हरियाणा से रेत ट्रकों में भरकर खनन का अवैध कारोबार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यही नहीं, खनन कारोबार से जुड़े लोग फर्जी रॉयल्टी बनाकर खनन अधिकारियों से मिलीभगत कर इस गोरख धंधे को परवान चढ़ा रहे हैं।
आपको बता दें कि बुढ़ाना तहसील के साथ ही जनपद में खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से खनन के इस काले कारोबार को जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ के चलते परवान चढ़ाने में लगे हैं, जिसके चलते बुढ़ाना में रेत माफियाओं द्वारा 2000 से लेकर 5000 रुपए तक अवैध रेत से भरे डंपर और ट्रक पास कराने का काम किया जा रहा है। खनन माफिया हरियाणा की एक खान के कागज भी अवैध रूप से बनवा कर ट्रक चालकों को देते हैं, जबकि मानसून सत्र होने से शासन ने भी 3 माह के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद दलाल दीप वर्मा तथा कथाथित चैनल की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता चला रहा है। खनन के गोरख धंधे का मामला मीडिया में उछला तो कांधला रोड पर एक दुकानदार से जबरदस्ती खराब खड़े ट्रक में रेत भरवाकर दलाल ने एसडीएम साहब और चौहान से छापा लगवाकर खराब हुए ट्रक का अवैध रेत में सीज करवा दिया। ट्रक चालक और दुकानदार ने चीख चीख कर खनन माफिया पर 20,000 रुपए मांगने का आरोप भी लगाया है। बुढ़ाना से न्यूज 7 के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। सर यहाँ थोड़ा काम आए थे, गाड़ी ठीक करानी थी सर हमने आज, फिर तो हमने यहाँ मिस्त्री बुलाया तो एक मिस्त्री लगा दिया जी हमने, रेत के पास गाड़ी खड़ी थी जी हमारी, वहाँ एक बंदा है हमारे से 20,000 रुपए मांगता था जी। क्या नाम था उस बंदे का? कुलदीप वर्मा जी। क्या कह रहा था आपने आपको? अपने आपको बोल रहा था, कहता हमारे को 20,000 रुपया दे, उनको बोल रहा था मैं पत्रकार हूँ कहा जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना जी, उसने फोन किया जी। किसका फोन किया? एसडीएम को फोन किया जी, एसडीएम की वहाँ जिप्सी आई जी। फिर क्या हुआ? तो उसने जी जेसीबी मंगाई जी और गाड़ी में रेता डालना शुरू कर दिया जी, तो रेता डाल के जी गाड़ी को थाने में ले गए जी। तो उसके बाद हमारे से कोई ना बात हुई जी, लेना ना देना जी। कागज पूरे थे आपकी गाड़ी? हाँ जी, हमारी गाड़ी के कागज पूरे हैं जी, ओके है जी। फिर आप वहाँ से कैसे आए बच के? हम वहाँ से बच के बचे जी, हमारे को हमारे मालिक की बाँह पकड़ के गाड़ी में गिर रहे थे जी। हमारे मालिक को अभी टैग पड़ने को पड़ रहा जी, हम उसको अस्पताल में लेके जाने लग रहे हैं जी। अब क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? हमारी गाड़ी छूट जाए जी, बस हम गरीब आदमी हैं। यहाँ करनाल से कुछ गाड़ी वाले आए थे रागीर, उन्होंने यहाँ गाड़ी खड़ी कर ली है, रेत पड़ा मेरा, तो वो वहाँ यहाँ मिस्त्री लग रही थी, उसमें ठीक करने गाड़ी को। कहाँ पड़ा रेत आपका? ये पड़ा रेत किस जगह पड़ा है? यहाँ इसके गैस एचपी गोदाम के सामने रोड पे, बुढ़ाना में जी, राणा धर्मकांडा है हमारा। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? एसडीएम गाड़ी ले गए, एसडीएम साहब। हाँ जी, उन्होंने गाड़ी रोकी, कहा रेत गाड़ी ने तारा मंगा जी, तो रेत पहले ही पड़ा, क्या लगे गाड़ी पहले क्यों पड़ा, इस गाड़ी में से उतरा, जीबीसी बुला करता हूँ, उनमें से गाड़ी भरवानी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ? फिर कुलदीप पत्रकार है, बताया जो अपने आपको आया, मैंने उससे बात करी, भाई इस तरह मसला बताया, मैं टैक्स भी दे रहा इसका और फिर भी माल भर रहे, क्या भाई मैंने बात करी 20,000 रुपये लगेंगे, मगर पैसे का क्या मतलब है? तो एसडीएम साहब ने गाड़ी भरवा ली, फिर एक प्रवीण पत्र वो है क्या नाम, एसडीएम वो क्या नाम पटवारी जो यहीं बुढ़ाने का एकदम पर उसने भरवा, मैंने कहा तेरा क्या मतलब भरने का, मुझे जो तू कहता होता नहीं मैं सारा भरवा लूँ, मुझे तो भरवा लो, ये तो टैक्स भी हम बेकार ही दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अच्छा, जीएसटी टैक्स हम दे रहे हैं, क्या नाम 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए का हर साल टैक्स दें हम इस काम का। रसीदे है आपके सब पास? बिल वाउचर है हमारे पास, सब चीजें हैं जी। बुढ़ाना में ही अभी कांवड़ यात्रा का भ्रमण किया जा रहा था, एक ड्राइवर से मांगने पे उसने कोई बैग परिवहन पास प्रस्तुत नहीं किया, ट्रक को सीज कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत घंटी बजाओ अभियान में बिजनौर एक नया रिकॉर्ड तैयार करने जा रहा है। 10 से 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत 155 ग्राम पंचायतें चुनी गई हैं, जिनमें खुद बिजनौर डीएम और सीडीओ सहित कई अधिकारी लगे हुए हैं। घंटी बजाओ अभियान में 155 ग्राम पंचायतों के लिए 160 इंजीनियर, 6000 राजमिस्त्री और ग्रामीणों की तमाम टीमें 7 दिनों में इस अभियान को सफल बनाकर जहां खुले में शौच से मुक्ति दिलाएंगे, वहीं एक नया रिकॉर्ड भी कायम करेंगे। डीएम बिजनौर जगत राज त्रिपाठी ने कई गांव का दौरा कर गैबली गांव में ग्रामीणों की एक पंचायत को संबोधित करते हुए खुले में शौच न करने की हिदायत दी और सरकार द्वारा बनाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शौचालयों में शौच जाने की बात कही। बिजनौर से न्यूज 7 के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। एक अभियान चलाया है 7 दिन स्वच्छता के संग, उसी के तहत हम विजिट कर रहे हैं। तो अभी हमने 2 दिन पहले एक गांव का विजिट किया था, आज इस गांव में आए, गैबलीपुर में आए हुए हैं। तो हमारा जो पूरे जनपद का टारगेट है, 7 दिन में हमें जो टॉयलेट बनवाने हैं 20,000 बनवाने हैं, उसके अनुसार हम लोग पूरी रणनीति बनाए हुए हैं। करीब हमारे 6,000 राजमिस्त्री लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं। इसके अलावा जो हमने व्यवस्था किया है, हर ग्राम पंचायत में हमने एक टेक्निकल
ऑफिसर लगाया है जो जेई रैंक का है, इसके अलावा एक नोडल अधिकारी लगाया है, इन दोनों की ड्यूटी लगाई है और उसका काम है, टेक्निकल अधिकारी का काम यह है जो जेई रैंक का है कि जो भी क्वालिटी है क्वालिटी सुनिश्चित करें और मानक के अनुसार शौचालय बने, तो उसके अनुसार हम भ्रमण कर रहे हैं। आज जो इस गाँव में आए हैं तो अभी जो गति पकड़ना चाहिए था वो गति नहीं पकड़ पाई है, क्योंकि अब तक मेरे हिसाब से 45 शौचालय बन जाने चाहिए लेकिन अब तक केवल 15 ही बन रहे हैं, तो इसका मतलब 1/3 अभी काम हुआ है। और लोगों ने बताया कि एक तो दिक्कत जो है मोरंग की हो रही है, तो मोरंग की व्यवस्था के लिए हमने निर्देशित किया, सीडीओ साहब हमारे साथ में हैं कि मोरंग की व्यवस्था की जाए, वीडियो भी इनको कहा गया ये किया जाए। और जो दूसरी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि पानी बरस रहा है उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आई है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमारा अभियान चल रहा है कि अभियान की अवधि में हमारे 20,000 टॉयलेट बन जाएँ, और अगर किसी बारिश हो जाए किसी से या किसी और कारण से नहीं बन पाते हैं तो हम एक दो दिन प्रोग्राम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो है 20,000 का रहेगा, हम पूरा कराएंगे। जिला बिजनौर के नगीना तहसील के गांव बावन सराय में भू माफियाओं का कहर देखने को मिल रहा है, जहां अवैध तौर से किसानों की गन्ने के फसलों को नष्ट करके जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला जिला बिजनौर की नगीना तहसील के गिराम बावना सराय थाना रायपुर का है, जहां जयराम सैनी अपने पूरे परिवार के साथ खेती करके अपने पूरे परिवार का गुजर बसर करता था, लेकिन कुछ भूमाफियाओं की नजर उसकी जमीन पर है। बीते कुछ दिनों से जयराम सैनी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन किसान के लिए उसकी जमीन ही रोजी रोटी होती है, इसलिए जयराम भी अपनी जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं था। तो दबंग भूमाफियाओं ने जयराम और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां जयराम का पूरे परिवार धारदार हथियारों से घायल कर डाला, वहां उसका पूरा परिवार जिला अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है, लेकिन जयराम की ओर से पुलिस तथा डीएम को भी अपनी ओर से एक शिकायत पत्र दिया है, परंतु एक सप्ताह बाद भी अभी तक पुलिस ने के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। बिजनौर से न्यूज 7 के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। मतलब कि वैसे कब्जा करने वाले लोग जमीन पहले हमें फसल लगाने की थी, तो उसको सपना जो था हमारा भी सुविधा करना जो था मुझे जो किया लगी थी तो हमारी लोटी भी जेल काट गई है, तो हम जो मतलब हमें जो जानलेवा मतलब जो उनका हथियार चलाए हमें तो मरावा छोड़ कर गए हैं। नजीबाबाद के पठानपुरा में महिला का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कुछ दिन पहले हुई महिला की मौत को लेकर महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था। नजीबाबाद के पठानपुरा की रहने वाली समा की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी, जिसे लेकर समा के परिजनों का आरोप है कि समा की ससुराल वालों ने समा को जहर देकर हत्या कर दी है। समा के परिजनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिससे प्रशासन हरकत में आया और शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है। बिजनौर से न्यूज 7 के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और उसके बाद जो है सुनवाई के जो आवेदन दिया गया था, जो प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था, उन्होंने विधि परामर्श करके और जब उसका समझा उचित कि इसका पोस्टमार्टम मृतका का कराया जाना औचित्यपूर्ण है, तो उन्होंने आदेश दिया शव को निकलवाने। अच्छा, इतनी लेट होने की वजह? जब उन्हें लगा, आशंका हुई जी, उनके मामा और उनके पिता बता रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था, कि जब उनको मोबाइल से उन्होंने कुछ जो मृतका का मोबाइल रह गया था वो मायके वालों के पास था, उन्होंने कहीं उसमें कुछ देखा जो उसमें कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह हुई थी, जब उन्हें आशंका हुई कि ये तो उस मर्डर हो सकता है, तब उन्होंने चूंकि जिलाधिकारी महोदय के पास जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तो संभवतः इसी कारण से उनके द्वारा देर से दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर ही जो विलम्ब हुआ है हुआ होगा। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।